नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ने भारत में जमकर बवाल मचाया है। मोदी सरकार ने आपत्ति जताते हुए इस पर बैन लगाया, तो वहीं भाजपा से राज्यसभा सांसद महेश जेठमलानी ने बीबीसी, चाइना और कांग्रेस को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया है। जी हाँ, महेश जेठमलानी ने दावा करते हुए ये भी कह दिया है कि बीबीसी ने चाइना से पैसे लेकर डॉक्यूमेंट्री बनाई है और इसमें सहकर्मी कांग्रेस नेता जयराम रमेश रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने ट्वीट्स किए हैं और किस तरीके के खुलासे किए जा रहे हैं, इस पर हम आगे विस्तार से बात करते हैं। दरअसल अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने spectator.co.uk की एक रिपोर्ट शेयर करते हुए लिखा कि बीबीसी इतना भारत विरोधी क्यों है, क्योंकि इसे भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने और अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए चीन की कंपनी हुआवे से पैसे की सख्त जरूरत है। इसके साथ ही जेठमलानी ने इस विवाद को कैश फॉर प्रोपेगेंडा डील भी करार दिया और बीबीसी को बिकाऊ बता दिया, जो कि आप ट्वीट में देख सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीबीसी के साथ कांग्रेस के नेता जयराम रमेश भी हैं। जेठमलानी ने द स्पेक्टेटर की जो रिपोर्ट साझा की है, उसमें ये बताया गया है कि बीबीसी अभी भी प्रतिबंधित हुआवे से पैसा ले रहा है। दरअसल हुआवे एक चीनी कंपनी है और जयराम रमेश की बात जो जेठमलानी ने की है, उसकी चर्चा काफी दिनों से सोशल मीडिया पर भी हो रही थी, क्योंकि कई दिन पहले ही महेश जेठमलानी ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश से चीनी कंपनी हुआवे के साथ उनके संबंधों पर सफाई देने को भी कहा था, क्योंकि इस कंपनी को अमेरिका ने भी सुरक्षा कारणों से बैन किया हुआ है और कई बार इस कंपनी पर सवाल भी खड़े हो चुके हैं। 24 जनवरी को महेश जेठमलानी ने ट्वीट करते हुए जयराम रमेश की एक पुस्तक का कुछ अंश भी साझा किया था और लिखा था कि साल 2005 से जयराम रमेश चीनी दूरसंचार कंपनी हुआवे की भारत में गतिविधियों के लिए पैरवी कर रहे हैं। हुआवे को कई देशों में सुरक्षा कारणों से प्रतिबंधित किया गया है। जयराम अब भारत सरकार के चीन को लेकर रुख पर सवाल उठाते हैं, उन्हें हुआवे के साथ उनके संबंधों पर खुलासा करना चाहिए। दरअसल क्या कुछ है जयराम रमेश को लेकर और हुआवे कंपनी को लेकर, इसको हम आगे विस्तार से समझाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि जेठमलानी ने जो स्क्रीनशॉट साझा किया है, वो 2005 में आई उनकी किताब मेकिंग सेंस ऑफ चिड़िया रिफ्लेक्शंस ऑन चाइना एंड इंडिया की है। इस किताब में जयराम रमेश ने चीन के इतिहास, संस्कृति और अन्य पहलुओं पर अपनी रुचि का उल्लेख किया है। उन्होंने इस बारे में बताया है कि कैसे कई मौकों पर प्रतिस्पर्धा और टकराव के बावजूद भारत और चीन स्वाभाविक दुश्मन नहीं बने। किताब में इस बारे में भी विस्तार से बताया गया है कि भारत और चीन के बीच संबंध कैसे फायदेमंद भी हो सकते हैं। लेकिन इसमें खास बात यह है कि 130 पेज की किताब में हुआवे का 4 बार उल्लेख किया गया है। वहीं अंकुर सिंह की अगर हम बात करें तो ट्विटर पर काफी सक्रिय हैं और कई बड़े दावे वो करते रहते हैं और ज्यादातर जो खबरें हैं उनकी वो फैक्ट चेक को लेकर की जाती हैं। अब अंकुर सिंह ने इस पर जब गंभीर सवाल खड़ा किया तो इसके साथ ही उन्होंने सबूत भी पेश किया। उन्होंने सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए पुरानी ऐसी खबरें साझा कर दी हैं जो कांग्रेस और जयराम रमेश की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। अंकुर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि व्हेन जयराम रमेश वाज मिनिस्टर ड्यूरिंग यूपीए, चेक हाउ ही यूज्ड टू डू लॉबिंग फॉर चाइनीज कंपनीज इन इंडिया। नाउ जयराम रमेश लीड कांग्रेस स्ट्रेटजी एंड कम्युनिकेशन। नो वंडर कांग्रेस इज स्टिल चाइनीज प्रोपेगेंडा दैट इंडिया सोल्जर्स वर बीटन अप बॉर्डर। और नीचे एक न्यूज क्लिप भी शेयर की है जो कि साल 2010 की है, जब जयराम रमेश पर्यावरण मंत्री थे और चीन गए थे, जहां उन्होंने उस वक्त के गृह मंत्री के कामकाज पर ही सवाल खड़ा कर दिया था और कह दिया था कि गृह मंत्रालय चीन से कारोबार को लेकर बिला वजह एहतियात बरत रहा है, जिसके बाद उस वक्त के गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने प्रधानमंत्री को पत्र लिख दिया था और उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जयराम रमेश को फटकार भी लगा दी थी। लेकिन चीनी मीडिया जयराम रमेश के समर्थन में आ गया था। चाइना डेली ने जमकर तारीफ की थी और एक आर्टिकल भी लिखा था। अब चीनी मीडिया सरकार के इशारे पर चलती है, इसीलिए वो तारीफ चीनी सरकार की तरफ से ही मानी गई थी। वहीं अंकुर ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा कि जयराम रमेश एज यूपीए मिनिस्टर
lobbied for Chinese companies to be given work in Arunachal Pradesh. Everyone knows how much China wants expansion in Arunachal and why. It is because of MOU with CCP that Congress made Jairam Ramesh head of strategy and communication now. और नीचे एक आर्टिकल की हेडलाइंस भी है जिसमें खबर ये है कि जयराम रमेश का ये कहना है कि इंडिया मेनी चाइनीज एक्सपर्टाइज फॉर प्रोजेक्ट्स इन अरुणाचल. इसके बाद एक और ट्वीट करते हुए अंकुर सिंह ने लिखा कि इवन ड्यूरिंग चाइना बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट इन 2013 and 14 जयराम रमेश फेवर्ड क्लोजर टाई विद चाइना, वाई? ये सवाल भी उन्होंने खड़ा कर दिया और सबूत के तौर पर उन्होंने वो आर्टिकल भी साझा किए जिसमें जयराम रमेश ने चाइना की वकालत की हुई थी. पी चिदम्बरम ने उस वक्त प्रधानमंत्री को एक पत्र भी लिख दिया था और इसके साथ ही चेतावनी दी गई थी कि किस तरीके से जयराम रमेश चाइना के पक्ष में बयान दे रहे हैं. इसके साथ ही अंकुर सिंह ने यह भी बताया कि इवन अरुणाचल कांग्रेस अपोज्ड चाइनीज कंपनीज इन अरुणाचल एंड डिमांड रेजिग्नेशन ऑफ जयराम रमेश. नाउ प्रो चाइनीज रमेश इज लीडिंग कांग्रेस स्ट्रेटजी. जयराम रमेश विल सपोर्ट ऑफ चाइना एंड चाइनीज मीडिया. अब आपने देखा कि किस तरह से कांग्रेस नेता जयराम रमेश और चीनी कंपनी हुआवे को बीबीसी से जोड़कर देखा जा रहा है और कई बड़े सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं. वहीं जेठमलानी ने इस मामले में 2 फरवरी 2023 को deadline.com की एक रिपोर्ट साझा की है. इसके जरिए उन्होंने बीबीसी और हुआवे के बीच लेन देन के सबूत मांगने वाले उनके भारतीय समर्थकों को भी जमकर फटकारा है. जेठमलानी ने आरोप ये भी लगाया कि हुआवे के अलावा बीबीसी के 18 अन्य चीनी क्लाइंट ने भी भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए उसे भुगतान किया हुआ है. उन्होंने ट्वीट करते हुए ये बताया है कि भारत में बीबीसी के समर्थक इस बात का सबूत मांगते हैं कि हुआवे का बीबीसी को फंडिंग करने का डॉक्यूमेंट्री से क्या लिंक है. सिर्फ हुआवे ही नहीं बल्कि कम से कम 18 अन्य चीनी क्लाइंट भी भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए बीबीसी को भुगतान करते हैं. बीबीसी की आलोचना करते हुए लॉर्ड एल्टन एमपी कहते हैं कि मैं उनकी दी हुई रोटी खाता हूं, उसके गीत गाता हूं. दरअसल यहां पर जेठमलानी ने उन सभी बातों पर प्रकाश डाल दिया जो बीबीसी की और चाइनीज कंपनी की मित्रता को प्रदर्शित करते हैं. इसके साथ ही उन्होंने एक और खबर बताई और लिखा कि यहाँ बीबीसी के पूर्ण रूप से पतन की खबर. इसमें 47,000 कर्मचारियों के पेंशन फंड से कम 150 पौंड मिलियन का निवेश चीनी राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों में मानव अधिकारों के उल्लंघन के आरोप में किया गया है. ये इसे एक चीनी जागीरदार और चीनी का मुखपत्र बना देता है. यहाँ पर सीधा आरोप उन्होंने ये लगाया कि किस तरीके से बीबीसी एक चाइना का मुखपत्र बन चुका है. तो देखा आपने राज्यसभा सांसद महेश जेठमलानी ने किस तरह से बीबीसी पर हमला बोल दिया है और कई दावे कर दिए हैं, वो भी सबूतों के साथ. अब इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा.